हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो यहाँ पर हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम क्रोम ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाता है, तो यहाँ की हिस्ट्री को कोई भी चेक कर सकता है। तो यहाँ हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए हमको क्या करना है? तो हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको सबसे ऊपर जो 3 डॉट नज़र आ रहा है, आपको इस 3 डॉट पर जाना है। तो हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करते ही आपके सामने हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसी हिस्ट्री वाले ऑप्शन के अंदर आपकी सारी सर्च हिस्ट्री सेव हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो भी सर्च किया है वो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर सेव हो चुका है। तो इस हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे ऊपर जो डिलीट ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपसे पूछेगा कि आपको कब तक की हिस्ट्री डिलीट करनी है। तो इसके लिए आपको टाइम रेंज आपको सबसे ऊपर पहले नंबर पे मिल जाता है, आपको इस टाइम रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि लास्ट 15 मिनट की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं या फिर लास्ट 1 घंटे की या फिर लास्ट 24 घंटे की। आप यहाँ पर 7 दिन की हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट 4 वीक की हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑल टाइम की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे। तो हमने ऑल टाइम पे क्लिक कर दिया है। ऑल टाइम पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर के 3 ऑप्शन को टिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर इन 3 ऑप्शन को टिक किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे के 3 ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके पासवर्ड वगैरह भी सब यहाँ से चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ ऊपर की 3 हिस्ट्री को ही सेव करना है। तो हम यहाँ पर ऊपर के 3 ऑप्शन को सेव कर लिया है, टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट में। तो आपको इस डिलीट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये फेसबुक और गूगल वाला ये भी पूछेगा, तो आपको इन दोनों को हटा देना है। हटाने के बाद आपको डिलीट पे क्लिक करना है। तो डिलीट पे क्लिक करते ही आपकी सारी सर्च हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर फिर दोबारा दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर हमारी सर्च हिस्ट्री डिलीट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। सारी सर्च हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। हम एक बार आपको फिर से चेक करा देते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, नया था चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।